गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। जो हमने पार्ट वन पढ़ा था परमिशन का, जो मॉडल वर्ब्स हमने देखा कैन, मे एंड कुड। अभी इस क्लास में हम जो कुछ बचा था पार्ट टू ये देखने वाले हैं कि परमिशन देते समय आपको किस तरह से आपको यूज़ करना है मे, कैन और कुड का, है ना। तो ये सेंटेंसेस यहाँ पर आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना ये सेंटेंसेस। तो इसको हम मे में यूज़ करना है, देन कैन यूज़ करना है इसमें, और आफ्टर दैट आई विल टीच यू एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स सकना, यानी जो आपके इसमें पॉसिबिलिटीज होती है, समवन स्किल्स और जनरल एबिलिटी होती है, उस समय आपको कैन और कुड का यूज़ करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखे थे, वो अभी इस क्लास में थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे, और आफ्टर दैट एबिलिटी हम पढ़ेंगे। ओके, आई गिव हिम अ परमिशन टू टेक माई स्कूटर। तो ये एग्जाम्पल है, इसमें हम एग्जाम्पल में क्या करने वाले हैं, इसमें मे और कैन का यूज करना है। तो ये परमिशन देते समय मैंने बोला था आपको कि कैन और मे का यूज़ करना है, लेकिन कुड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर जैसे कि आई गिव हिम परमिशन, मैंने परमिशन दी है टू टेक माई स्कूटर, मेरी स्कूटर लेने के लिए। तो यहाँ पर किसको दी है, उसको दी है। तो ही कैन टेक परमिशंस मीन्स क्या होता है, कैन होता है ना। ही कैन टेक ही स्कूटर, यानी हिज की जगह आपको देखो या ये आए है ना, तो ही कैन टेक माई स्कूटर, वो मेरी स्कूटर ले सकता है। जैसे कि आई गिव हिम परमिशन, उसने परमिशन दी है टू टेक माई स्कूटर, मेरी स्कूटर लेने के लिए। तो ही कैन टेक माई स्कूटर, वो मेरी स्कूटर ले सकता है। देन यू आर अलाउड टू लीव द ऑफिस एज सून एज यू हैव फिनिश्ड। अब ये एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर आपको यू आर अलाउड, आर अलाउड मीन्स क्या होता है, परमिशन देना। आर अलाउड मीन्स परमिशन देना। तो परमिशन देने के लिए हम कैन और मे का यूज करते हैं, कैन और मे का यूज। तो यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट करना है, कैन करना है या मे करना है, या आपको सोचना है। तो यू आर अलाउड टू लीव द ऑफिस एज सून एज यू हैव फिनिश, इस तरह से ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि आई बोल सकते हैं या ही भी यूज कर सकते हैं। ही मे लिव, आप परमिशन दे रहे हो, यू आर अलाउड, आप जा सकते हो, है ना, इस तरह से परमिशन। ही मे लिव, ये टू को रिमूव करना है। जब हम यूज कर रहे हैं आर अलाउड की जगह, हम कौन सा परमिशन वर्ड यूज कर रहे हैं, मे, है ना। तो ये मोर फॉर्मल होता है, मोर फॉर्मल के लिए यूज किया जाता है। ही मे लिव द ऑफिस, और आफ्टर दैट इसके बाद में हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेना पड़ता है, यानी जो बेस फॉर्म ऑफ वी वन हम यूज करते हैं इसमें, आफ्टर द दिस वर्ब इट इज द वर्ब एंड इट इज द हेल्पिंग वर्ब, हम इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी पहचानते हैं, है ना। तो ही मे लिव द ऑफिस, ही मे लिव द ऑफिस as soon as he has finished. Okay, means इस तरह से आपको ये लिखना है, इसकी जगह आपको मे यूज कर सकते और कैन। जैसे कि ही कैन लीव द ऑफिस एज सून एज ही हैज फिनिश, जैसे उसने क्या किया, अपना फिनिश किया, वैसे ही वो क्या कर सकता है, ऑफिस लीव कर सकता है, परमिशन दे रहा है। देन ये सेम है यहाँ आर अलाउड, ये आपको दिखाई दे रहा है, यू आर अलाउड टू गो होम नाउ, आप घर जा सकते हो अभी। तो आपको यहाँ पर परमिशन मांग यानी दी है, तो यू कैन ऐसे भी बोलती है, तो ही कैन तो टू आएगा क्या इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नहीं, तो क्या आएगा, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा गो। ही कैन गो होम नाउ। ओके, इस तरह से आपको ये परमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं मे और कैन का। तो अभी हम एबिलिटी देखते हैं, क्या देखेंगे अभी हम, एबिलिटी यानी समवन स्किल्स और जनरल एबिलिटी शो करने के लिए कैन और कुड का यूज़ करते हैं। लुक एट,
how can you solve it? Okay. Ability show करने के लिए हमें किसका use करना है? Okay, ability. Ability means क्या होता है? Yes, योग्यता, शक्यता, है ना, सपना. इसके लिए भी हमें someone's skill, someone's skill. Skill यानी कौशल है. किसी के इसमें कौशल रहता है कि he can drive a car, वो अच्छी कार चला सकता है ना. He can speak English fluently, वो इंग्लिश अच्छी बोल सकता है. तो जनरल एबिलिटी शो करने के लिए, समवन स्किल शो करने के लिए हमें किसका यूज करना है? कैन एंड कुड का. कैन और कुड का. सो लुक एट समवन स्किल्स और जनरल एबिलिटी. जनरल एबिलिटी, समवन स्किल्स और जनरल एबिलिटी शोज करने के लिए हमें कैन और कुड का यूज करना पड़ता है. तो कैन मीन्स क्या होता है? लुक एट हियर. कैन मीन्स सकना, सकता है, सकती है या सकते हैं, सकते हैं, इस तरह से हम कैन का यूज करते हैं. और ये प्रेजेंट और फ्यूचर में, प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज करना है. देखिए ये जो एबिलिटी हम शोज करने वाले यहाँ पर संभावना, लुक एट हियर, सकना के लिए, तो कैन ये प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है. और कुड ये जो एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड, तो हमें किसके लिए? पास्ट के लिए यूज किया जाता है. किसके लिए? पास्ट के लिए. ओके, रिमेंबर दैट. तो पास्ट में हम सकता है, सकता था, सकती थी या सकते थे, ये इस तरह से यूज किया जाता है. ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल, हाउ कैन वी हैव टू यूज. ओके, हाउ टू यूज दिस एग्जाम्पल. सो आई कैन स्पीक इंग्लिश. ओके, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ. He can speak English. He can speak two languages. वो दो languages बोल सकता है, हिंदी और मराठी. ये दो languages बोल सकता है. इसके लिए आपको क्यों, आपने यहाँ पर क्या यूज़ किया है? क्योंकि वो उसकी ability shows कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वो अच्छी तरह से English बोल सकता है, fluent English, या दो language भी अच्छी तरह से बोल सकता है. या he can drive a car, वो car भी चला सकता है. ये एक example हो गया. ये हम फ्यूचर में, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज़ कर सकते. तो इसके लिए हम अनादर एग्जांपल, जैसे कि वो उसमें एबिलिटी है, तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश. लुक एट हियर, यानी प्रेजेंट में हम एबल टू, जैसे कि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया एबल टू. एबल टू का भी यूज करना है. एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि यहाँ हमने कैन लिया है, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिया है स्पीक, तो इसके जगह हम कैन के जगह हम एबल टू यूज करना है. लेकिन आपको ये सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट में देखना है या फ्यूचर में देखना है, इस तरह से. तो आप यहाँ पर आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, इसका ही मीनिंग ये है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, वो इंग्लिश बोल सकती हूँ, वो लायक है इंग्लिश बोलने के लिए. तो ये दोनों का भी मीनिंग क्या होता है? सेम होता है. दोनों का भी मीनिंग क्या होता है? सेम. क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों का, अगर आपको कैन के जगह आपको एबल टू यूज़ करने के लिए बोला, तो आपको एबल टू यूज़ करना है, लेकिन आपको इसमें सब्जेक्ट देखना है कि वो ही है, शी है, यू है ना, इस तरह से. तो ये आपको यूज़ करना है. जैसे कि आई के सामने हमेशा हम ग्रामर में यूज़ करते हैं एम, जैसे कि ही, अभी एक एग्जांपल, ही कैन स्विम, वो तैर सकता है, ही कैन स्विम, उसमें एबिलिटी है. कौन सी? तैरने की, है ना, तैरने की उसमें एबिलिटी है. तो ही कैन स्विम, वो तैर सकता है. लेकिन इसके जगह अगर हमें एबल टू यूज़ करना है,
इसके जगह हमें क्या यूज़ करना है, एबल टू। तो हाउ कैन वी हैव टू यूज, हमें किस तरह से यूज करना है, हाउ टू यूज, लुक एट हियर, ही इज एबल टू स्विम, ही इज एबल टू स्विम, ये एक हो गया। यानी इसका जो मीनिंग है ये सेम है, वो तैर सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, ओके। देन ही इज एबल टू स्विम, वो तैर सकता है, वो लायक है, तैरने के लायक है, मीन्स वो तैर सकता है। तो ये दोनों का भी मीनिंग क्या है, सेम है। तो आप कैन के जगह एबल टू यूज़ करना है और एबल टू की जगह कैन यूज़ कर सकते हो, ओके। लेकिन आपको ये सेंटेंस देखना है कि वो पास्ट में है या प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, ओके। सो वन एग्जाम्पल, ही विल बी, ही विल बी एबल टू स्विम, इस तरह से ही विल बी एबल टू स्विम, वो फ्यूचर में है ना, फ्यूचर में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। आपके पेज नंबर में दिया गया है पेज नंबर 79, यहाँ पर आपको देखना है पेज नंबर 79। When you are talking about the future, जब we prepare will be able to, जब हम will be able to use करना है तो can, when we are talking about the future, future के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो he will be able to swim, वो तैरने के लिए तैयार हो जाएगा, इस तरह से भी future में आप बना सकते हैं। देन यहाँ पर एक example है, I will be able to see the exhibition tomorrow, मैं कल exhibition जाने के लिए क्या देखना जाऊंगा, इस तरह से। यहाँ पर एक एग्जांपल है, सुरेश विल बी एबल टू गेट अ जॉब सून, उसको जल्दी से ही क्या लग जाएगी, जॉब लग जाएगी। तो ये एग्जांपल से किसके प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी हम देखते हैं कि कुड के लिए किस तरह से यूज़ करना है। सो लुक एट नाउ, हाउ कैन वी यूज़ द कुड, ये कुड एबिलिटी शो करने के लिए पास्ट में, पहले ही बोला था कि पास्ट में हम कुड का यूज़ करते हैं एबिलिटी दर्शाने के लिए, समवंस एबिलिटी, ओके। तो पास्ट में हम जब कुड यूज़ करते थे, सकता थी, सकता था, सकती थे, इस तरह से हम बोलते। तो यहाँ एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यू हैव टू सी द एग्जांपल्स। आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट इन स्पीक, लुक आई कुड स्पीक फ्लुएंट, ओके। यहाँ पर When I was little, I could speak fluent when I was little. यानी आप क्या बोल सकते थे अच्छी तरह से, English. I could speak fluent English when I was little. जब मैं क्या था, छोटा था, little में छोटा, मैं छोटा था तो मैं अच्छी तरह से English बोल सकता था, सकता था। कुड का यहाँ पर ability show करने के लिए हम यूज़ कर रहे, ओके, कुड, और ये पास्ट में यूज़ किया जाता है, तो इसका हम यूज़ करते हैं वॉज एबल टू। पास्ट में हम वॉज एबल टू का भी मीनिंग वही होता है, लेकिन एबिलिटी प्लस एक्शन, एबिलिटी प्लस एक्शन, वो एक्शन की है या नहीं, इस तरह से। ये अभी हमने देखा ही नहीं ना कि वो अच्छी तरह से बोल सकता है या नहीं, वो छोटा था। आई कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश व्हेन आई वॉज लिटिल, मैं जब छोटी थी तो मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकती थी। तो नहीं, हम जानते हैं कि छोटे इसमें नहीं जानते, आपको भी पता नहीं था, लेकिन अगर आपको एक्शन प्लस एबिलिटी दिखाना है तो आपको वॉज एबल टू यूज़ करना है। और सब्जेक्ट अगर आपका सिकुलर है तो आपको वॉज यूज़ करना है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर एबल टू यूज़ करना है, ओके। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल, आई वॉज, कुड की जगह आपको क्या यूज़ करना है, was able to, was able to, look at here, ये could के जगह replace कर रहे हैं हम, was able to, I could speak, I was able to speak, I was able to speak fluent English when I was little, when I was little, ये complete sentence आपको लिखना है, speak fluent English When I was little, okay. अगर आप not का use करना है, I could not speak fluent English when I was little, not का use भी
करते, जैसे कि यहाँ पर भी आपको वॉज मैंने अभी बताया, यहाँ पर आपको वॉज है, वॉज एबल टू, तो वॉज नॉट एबल टू आप नहीं बोल सकते थे, है ना। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है, लेकिन ये पास्ट में एक्शन की जाती है, एबिलिटी और प्लस पास्ट, और ये क्या है, एबिलिटी प्लस एक्शन। एक्शन आपको देखा जाता है कि वो किया है या नहीं। ओके, सो इसका हम कैसे बनाएंगे, आई कुड नॉट स्पीक, और यहाँ आई वॉज नॉट एबल टू, नॉट का यूज भी कर सकते हैं। आपको अगर नहीं अच्छी तरह से बोल नहीं सके, आप नहीं सकता था, वो अच्छी तरह से बोल नहीं सकता था, तो ही वॉज नॉट एबल टू या आई वॉज नॉट एबल टू, ओके, दे वेयर नॉट एबल टू, दे इज द प्लूरल सब्जेक्ट, तो एट दैट टाइम आपको क्या यूज करना है, वेयर, वेयर एबल टू, ओके, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमेशा वर्ब का यूज करना है। जब भी हम मॉडल वर्ब्स यूज करते तो उस समय मॉडल वर्ब्स यूज करने के बाद में आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। अब ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही कुड रन वेरी फास्ट व्हेन ही वॉज अ स्कूल बॉय, जब वो छोटा था, स्कूल बॉय था, तब वो अच्छी तरह से रन कर सकता था, वेरी फास्ट, अच्छी तरह से दौड़ सकता था, कुड दौड़ सकता था, इसका मीनिंग सकता था, सकती थी, सकते थे, ओके, लेकिन आप सिंगुलर है तो सकता था, वो अच्छी तरह से दौड़ सकता था, तो इसकी जगह आपको वॉज एबल टू यूज करना है, ही वॉज एबल टू रन वेरी फास्ट When he was a school boy, ये आपको कंप्लीट करना है, आपके नोटबुक में है, पूरा राइट डाउन करना है, When he was a school boy, When he was a school boy, ये एक सेंटेंस हो गया। अभी आप इसमें नॉट भी यूज कर सकते, He could not run very fast, okay, Then he was not able to run very fast, वो लायक ही नहीं था, दौड़ने के लायक नहीं था, देन नहीं था यूज़ करना है तो, नॉट यूज़ करना है तो, कुड के बाद में आपको नॉट यूज़ करना, तो ही कुड नॉट रन वेरी फास्ट, ओके, देन नेक्स्ट, गोपी कुड राइड अ बाइसिकल व्हेन ही वॉज 5, जब वो 5 ईयर्स की थी तो ही क्या मीन्स गोपी कुड राइड अ बाइसिकल, वो अच्छी तरह से बाइसिकल चला सकती थी, बाइसिकल चला सकती थी, कब, When he was 5, जब वो 5 years का था, तो आपको यहाँ पर गोपी की जगह गोपी रखना है, कुड की जगह आपको क्या यूज़ करना है, was able to ride means चलाना, वो अच्छी तरह से चला सकता था क्या, bicycle, गोपी was able to ride a bicycle when he was 5, ओके, तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, नॉट भी यूज करना है, ही कुड नॉट राइड अ बाइसिकल, गोपी वॉज नॉट एबल टू राइड अ बाइसिकल, इस तरह से आपको ये पूरे सेंटेंस से जो दिए गए वो अच्छी तरह से देखना है कि आपको कैन और कुड का यूज कैसे करना है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में मैंने बताया है आपको, और कुड में भी आपको बताया कि पास्ट में ये यूज किया जाता है, तो ये एबिलिटी दर्शाने के लिए, इसके पहले हमने फर्स्ट क्लास इसमें देखा था पार्ट वन में परमिशन के लिए कैन मे और कुड यूज़ किया जाता है, और इसमें क्या यूज़ किया जाता है, कैन और कुड, ये एबिलिटी दर्शाने के लिए, ओके, तो देखो आपको जो होमवर्क है आपके पेज नंबर 79 देन 80-81 यह आपको पूरा कंप्लीट करना है आपके वर्कबुक में, ओके, आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।